सब्सक्राइब करें बॉलीवुड न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर और बेल आइकन दबाना ना भूलें टू गेट ऑल द लेटेस्ट गॉसिप्स एंड अपडेट्स ऑन बॉलीवुड. Thank you guys. Come ma'am. एक्साइटेड हूँ. यहाँ मेरा फर्स्ट टाइम है और अचीवर्स अवार्ड मिलना इज ऑलवेज इट्स अ सेंस ऑफ अचीवमेंट. सो हाँ मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. अभी प्रेपरेशन चालू है. ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि मुझे पता नहीं कितना अलाउड है. बट डेफिनेटली जैसे इसे मैंने ट्वीट में भी कहा आज दैट टुडे जेन्युइनली मैं बहुत ही ग्रेटफुल फील कर रही हूँ क्योंकि एक मैंने मन में बोल दिया था कि मुझे राजामौली सर के साथ काम करना है और वो पूरी हो गई. सो और पूरी हो रही है. सो दैट ग्रैटिट्यूड आई रियली फील इमेंसली. और मेरे इट्स माई फर्स्ट टाइम वर्किंग यू नो इन द साउथ इंडस्ट्री. सो आई एम रियली एक्साइटेड. करती हूँ तो मैं वो कैरेक्टर के हिसाब से और डायरेक्टर के हिसाब से काम करती हूँ. मैं अपने आप को भूल जाती हूँ. आई डोंट थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि मैंने कौन सा बेंचमार्क किया है. कैरेक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट है और जो डायरेक्टर मुझसे चाहते हैं कैरेक्टर के हिसाब से वो सबसे इम्पॉर्टेंट है. सो जो भी क्रिएट किया है मुझे पता नहीं है. मैं बस अभी इस फिल्म में जाके कुछ ऑनेस्ट और अच्छा क्रिएट करना चाहती हूँ. मैंने अभी एक्चुअली ट्वीट किया था कि जो द नेशंस वॉइस इज़ द नेशंस चॉइस. सो जो जो हमारा जो इलेक्शंस होता है वो हमारे जो एवरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया और जो भी हमारे कंट्री में है उनके लिए होता है. इट्स फॉर द कंट्री. सो आई अर्ज पीपल टू गो आउट देयर एंड कास्ट देयर वोट एंड मेक अ चॉइस. जस्ट कि मैं बहुत सारा केक खाने वाली हूँ. थैंक यू. मैम, रानी मैम, प्लीज़ मैम, प्लीज़ 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 प्लीज़
नाम सजेस्ट कर रहा है महाराष्ट्र अचीवर्स अवार्ड्स, अच्छा लगता है। जहाँ पे आप पले बड़े हैं, जहाँ पे आप काम करते हैं, वहाँ से आपको ऑनर मिले और तारीफ मिले तो अच्छा लगता है, तो बहुत खुशी की बात है और बहुत ऑनर की बात है मेरे लिए। देखिए पहले भी मेहनत करता था, अब भी मेहनत ही करूँगा, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दूँगा। अच्छी फिल्मों में का हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है, अच्छे डायरेक्टरों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी है, लोगों का प्यार मिल रहा है, तो मेहनत करता रहूँगा आगे ऊपर वाले पे। ये अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। ये मेरे भाई भी आजकल हाउ इज द जोशी पूछते हैं मुझसे तो अच्छा लगता है जब भी कोई आपके किरदार का नाम या कोई आपके डायलॉग इतना रेजोनेट कर जाए तो हमेशा अच्छा लगता है। पर रियल उसके जो विजेता होते हैं वो तो राइटर होते हैं जिन्होंने सोच के लिखा होता है, तो आदित्य धर को मैं सही देना चाहूँगा जिन्होंने हाउ इज द जोश पैदा किया, तो थैंक यू, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। कुछ नहीं, पहले भी कहानी देखता था, अब भी कहानी देखता हूँ, तो बस वही है, थॉट प्रोसेस कुछ चेंज नहीं हुआ है। हाँ, मैं सबको बस एक ही मैसेज देना चाहूँगा, इलेक्शन आ रहे हैं, जाकर वोट कीजिए प्लीज़। थैंक यू, थैंक यू।